Good morning, students. Today we are doing multiplication by two-digit number. आज हम multiplication सीखेंगे by two-digit number से कि two-digit number से किस तरीके से multiply होती है. इससे पहले आपने one-digit से multiply करी थी single digit से. अब हम double-digit से सीखेंगे. पहले भी आप जो आज का video है, जो आज की class है, इसमें आप लोगों को साथ में अपनी notebook लेके बैठना है ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सके और अच्छे से आ सके. आपको प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस जो वीडियो भेजी है उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, पर कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है टू डिजिट नंबर को सीखने में. तो इस वीडियो में आप लोग अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल साथ में लेके बैठेंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन आ जाए. टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. आप ये देखिए, मैंने यहाँ थ्री अलग अलग कॉलम्स अरेंज किए. फर्स्ट है टी ओ, यानी वंस और टेंस. पहले हम सिर्फ टू डिजिट नंबर लेंगे, फिर हम थ्री डिजिट नंबर लेंगे और लास्ट में हम फोर डिजिट नंबर लेंगे और इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई हम टू डिजिट नंबर्स के साथ कर रहे हैं. ये देखिए, ऊपर पहले दो है, फिर थ्री नंबर्स हो गए, थ्री डिजिट हो गई है, फिर फोर डिजिट हो गई है और इन सब की मल्टीप्लाई हम टू टू डिजिट के साथ करेंगे. वन डिजिट आपको अच्छे से आ गया है, टू डिजिट की हमें और प्रैक्टिस करनी है ताकि ये चीज आपको और अच्छे से आ जाए. अब आपको सपोज करना है, घर में दो भाई बहन है, मोस्टली सभी दो हैं या दो से ज्यादा. आप ये मानिए कि आप घर में सिर्फ दो भाई बहन है, ठीक है. ये आपका फर्स्ट डे है. फर्स्ट डे को आपके घर में सिर्फ दो गेस्ट आते हैं, टू और थ्री, ठीक है. थर्ड डे को आपके, सेकंड डे को आपके घर थ्री गेस्ट आते हैं, वन नाइन एंड टू. और थर्ड डे को आपके घर फोर गेस्ट आते हैं, टू जीरो फोर थ्री. डन. अब पहले दिन जो ये दो गेस्ट आए थे और आपकी दो भाई बहन है, ये एक घर में एक भाई का नाम थ्री एंड फाइव है, नेक्स्ट घर में नेक्स्ट डे भाई बहन टू फोर हो जाते हैं और लास्ट वाले में वन और फाइव हो जाते हैं. डन. हमेशा हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, आप प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, हमेशा हम पीछे से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो ये भाई है जिसका नेम है नंबर फाइव, ये इन दोनों गेस्ट से मिलने जाएगा, हैंडशेक करेगा. हैंडशेक करेगा तो क्रॉस होते हैं हैंड्स आपके, तो फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री, फाइव थ्री जा इनके आपस में मिले, क्रॉस किया, हैंडशेक किया, तो ये हो गया फिफ्टीन. फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव आप नाइन करेंगे क्योंकि ये डबल डिजिट हो गया है, दो हो गया है, तो आगे वाला नंबर हम आगे वाले को कैरी दे देंगे. ये देखो, ये सिंगल डिजिट, ये सिंगल डिजिट, तो इसके नीचे आंसर भी हम सिंगल डिजिट में लिखेंगे. ये डबल डिजिट आगे वाला नंबर आगे को कैरी कर देंगे. इस गेस्ट से तो फाइव मिल गया, अब इसके आगे वाले गेस्ट से फाइव मिलेगा. फाइव टू जा, दोनों ने हैंडशेक किया, फाइव टू जा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा. और जो ये कैरी होती है, कैरी हम हमेशा प्लस करेंगे, तो फाइव टू जा टेन, प्लस में वन कैरी, इलेवन हो जाएगा. इलेवन अगेन डबल डिजिट आ गई, पर आप ये देखो इसके आगे तो कोई और नंबर है नहीं, तो आप इलेवन का इलेवन यहाँ पे राइट कर देंगे. डन. आप ये देखिए, एक भाई नंबर फाइव तो सभी गेस्ट से मिल गया. अब उसकी सिस्टर की बारी आई जिसका नेम है थ्री, उसकी सिस्टर भी इन दोनों गेस्ट से मिलेगी. जब सेकंड आप नंबर जाता है मिलने के लिए, हैंडशेक करने के लिए, तो पहले वो क्रॉस लगा देते हैं. क्रॉस का मतलब होता है जीरो. अब ये मिलेगा, पीछे से ही स्टार्ट करेंगे, तो ये जो थ्री उसकी सिस्टर है वो थ्री से मिलती है, तो थ्री थ्री सा क्या हो जाता है, नाइन. फिर ये थ्री वाली सिस्टर ये टू वाले गेस्ट से मिलती है, थ्री टू सा सिक्स. अब ये कर देंगे प्लस, मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे कि हम आपस में गैप से मिले, हमने कितनी बार हैंडशेक किया, तो ये प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा फाइव में जीरो ऐड किया फाइव, नाइन में वन ऐड किया टेन, अगेन टेन आ गया, तो हम जीरो लिखेंगे, वन कैरी, सिक्स
सभी गेस्ट से मिले, इन्होंने हैंडशेक किया, गिफ्ट एक्सचेंज किया, आंसर क्या आ गया 805। इसी तरीके से वो नेक्स्ट भी करेंगे। अब इनके घर तीन गेस्ट आए हैं, थ्री गेस्ट, और ये अगेन टू ब्रदर एंड सिस्टर है। लास्ट वाले ब्रदर का नेम हो जाता है, हम हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं, इस ब्रदर का नेम है फोर, और ये पीछे से मिलना स्टार्ट करेगा सभी से, तो ये सबसे पहले टू से स्टार्ट करेगा, क्योंकि सबसे पहले घर पे इनके टू आया, फिर नाइन आया, फिर वन आया, तो फोर सबसे पहले टू से मिलेगा, तो फोर टू सा फोर नाइन सा 36, डबल डिजिट आ गई है 6, तो 6 यहाँ रखेंगे, 3 कैरी, 4 वन सा 4 प्लस में 3 7, कैरी हमेशा प्लस करेंगे, 4 तो सभी तीनों गेस्ट से मिल गया, अब किसकी बारी है मिलने की, 2, जब भी सेकंड आता है तो सबसे पहले वो क्या लगा देता है, क्रॉस लगा देता है, क्रॉस आप ये भी कह सकते हैं ना, कोरोना फैला हुआ है, एक मिलने के बाद सब अपना हैंड सैनिटाइज करते हैं ना, तो जब भी दूसरा आएगा तो सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करेगा, यानी पहले वो क्रॉस लगाएगा। अब मिलेगा लास्ट वाले गेस्ट से जो सबसे पहले आया था, 2 से सबसे पहले मिलेगा, 2 2 4, फिर वो 9 से मिलेगा, 2 9 18, यानी 8 1 10, 2 1 2 और 1 3। अब ये सभी टोटल करेंगे कि हमने कितने बार हैंडशेक किया, प्लस करेंगे 8 6 प्लस में 4 10, अगेन 0 1 कैरी, 8 और 8 16, 1 कैरी 4 डन। सेम इसी तरीके से वो 4 भी करेगा, 4 अब आप खुद करने की कोशिश करो कैसे, सबसे पहले 5 मिलेगा लास्ट वाले गेस्ट से, पीछे से स्टार्ट करें, तो आज आप ये प्रैक्टिस करेंगे इन सम्स की अपनी पेयर नोटबुक में। थैंक यू।